स्वागत है आपका जनता न्यूज के सीधे संवाद में। कई समय से सिडको लॉटरी विनर्स जो है उलवे बामन डोंगरी के, वो बहुत तकलीफों से गुजर रहे थे और उनका साथ देने के लिए फाइनेंशियल तकलीफें हम कह सकते हैं उनसे गुजर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिडको के घर जो है वो उन्हें ओवर बजट लग रहे थे और उसी के लिए, उनके हक के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नवी मुंबई द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही थी। और आज हमारे साथ नवी मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष गजानन काले जी मौजूद है और उन्होंने आज एक बहुत अच्छी खबर सुनाई है सिडको लॉटरी विनर्स जो है उनके बारे में। तो हम जानना चाहेंगे, सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो खबर आपने सुनाई है वो क्या है जो सिडको लॉटरी विनर्स को एक राहत की सांस लेने के लिए एक मौका दे रही है। देखिए, काफी महीनों से हमारा संघर्ष इस बारे में शुरू था। जो 8000 कम से कम जो सिडको लॉटरी विनर है, जो उलवा मामन डोंगरी में जिनको घर लगे थे, इन सभी के जो प्राइसेस थे, घरों की प्राइसेस थे, वो 35 लाख तक जा रहे थे। आप ईयरली इनकम बोल रहे 3 लाख रुपया, मतलब अगर मंथली इनकम हो गया 25,000 रुपया, 25,000 जिसकी पेमेंट स्लिप है उसको कौन सी बैंक 35 लाख या 30 लाख का लोन देने वाली थी, यही सवाल लेके हम लोग गए। 10 महीने से लड़ाई लड़ रहे। आदरणीय राज साहब ठाकरे, इन्होंने भी इसमें इनिशिएटिव लिया। खुद राज साहब यहाँ पे उनको मिलने के लिए आए थे कलम्बोली में। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, वहाँ पे हमारा एक डेलीगेशन गया और कुछ दिनों पहले ये खबर आई, हमारी खुशी का ठिकाना न रहा उसके लिए, कि आज 6 लाख रुपए हर घर में कम किए, मतलब जो 35 लाख का घर था वो अभी 27 लाख में लोगों को मिलने वाला है। इसलिए आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। इसमें भी 1300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर सरेंडर किया था। तो हमने मांग भी आज की है सिडको एमडी के पास कि वो 1300 लोग जो है उनको 35 लाख रुपए जो कीमतें थी वो भर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने घर सरेंडर किया। तो उनको भी आप राहत दीजिए और उनको भी ये घर मिलने की कोशिश में हम लोग लगे हुए। आपने ये भी बताया कि जिन्होंने घर सरेंडर किए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एजेंट्स की तरफ से फोन आ रहे हैं, ये मामला क्या है? देखिए, सिडको में घरों से लेके और बिल्डरों के काफी एजेंट और दलाल बैठे हुए हैं, जो कुछ ऑफिशियल लोग है, ऑफिसर जो है उनके साथ मिलके एक लूटने का धंधा सिडको में शुरू है। हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने घर सरेंडर किए थे, आज यहाँ पे भी आए पत्रकार परिषद में। तो मैं इशारा देना चाहता हूँ और सिडको एमडी साहब से विनती करना चाहता हूँ कि आप ये साफ सफाई का कैंपेन शुरू करें और ये एजेंट और दलाल मुक्त सिडको कीजिए। जो भी आपके ऑफिसर इसमें है उनकी भी एक इंक्वायरी कीजिए और वो ऑफिसर और ये एजेंट दलाल, इनको शिक्षा होनी चाहिए। जो सिडको घर धारक है जिन्हें इतनी अच्छी आज खबर दी गई है, उनके लिए आगे भी इसी तरह की अगर कोई परेशानी हो तो क्या मन से प्रयास करेगा? देखिए, इसके पहले भी जो 14,500 लोग थे उनको भी हम लोगों ने राहत दी कि जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन रहता है, जो पीएम योजना के तहत रहता है, वो 1,000 रुपए ही रहता है। लेकिन इसके पहले जो पीएम योजना निकली उसमें 6% लोगों को पैसे भरने पड़ रहे थे, मतलब 18 लाख का घर है तो उसके लिए 1.25 लाख और 25 लाख का घर है तो 1.5 लाख रुपए भरने थे उनको। ये भी कैंपेन, ये भी आंदोलन हम लोगों ने किया, उसमें भी हम लोग को यश प्राप्ति मिली। वहां पे भी 200-250 करोड़ रुपए लोगों के बचे थे, यहाँ पे भी 480 करोड़ रुपए लोगों के बचे हुए, अगर स्टैम्प ड्यूटी और ये प्लस कर ले उसमें तो 800 करोड़ रुपए तक मुनाफा लोगों को हुआ है। गोर गरीब जो भी है उनको 800 करोड़ रुपए लोगों के बचे हुए। तो इसके बाद भी सिडको और ये जो गोर गरीब है उसके लिए हमारी लड़ाई शुरू रहेगी। आपने ये भी बताया कि जो लॉटरी विनर्स है वे राज ठाकरे जी का सम्मान करना चाहते हैं, तो उसकी आगे की क्या योजना है आपने बनाई? ये 2 दिन पहले ही मैं सम्मानीय राज साहब जी को मिला, राज साहब ठाकरे जी को मिला और उनको कहा कि मैंने सिडको सभी जो लॉटरी विनर वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप एक वक्त दीजिए, मैं उनको दादर में देखे। राज साहब ने कहा कि नहीं, मैं नवी मुंबई में उनको मिला था, उसके बाद ये इश्यू सॉल्व हुआ है, मैं खुद ही उनको नवी मुंबई में मिलने के लिए आऊंगा और जल्द से जल्द कुछ दिनों में ही राज साहब जब भी आएंगे हमारे सभी सिडको लॉटरी विनर की तरफ से उनका एक भव्य नागरिक सत्कार हम लोग जरूर करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जो लॉटरी विनर थे वो भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सर आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और हमें ये बताइए कि इतनी अच्छी आपको जो खबर मिली है आप उससे कितने खुश हैं और आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
आज जो हमें खबर मिली है वो खबर इतनी बड़ी है कि आज हमारी दिवाली, आज हमारी दिवाली जैसा हमें महसूस हो रहा है। देखिए, हम 3 लाख इनकम ग्रुप, 3 लाख ईयरली इनकम ग्रुप वाले, हमारे लिए 35 लाख बहुत ज्यादा थे, जिसके लिए सबसे पहले तो हम सिडको के पास गए, सिडको से रिक्वेस्ट की कि आप जो ये 3 लाख इनकम ग्रुप वालों को जो आप 35 लाख बोल रहे हैं, ये हमारे से हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला आप सरेंडर कर लीजिए। तो देखिए, जो हम गरीब आदमी है, ये जो हम 8000 लोग हैं, ये सिर्फ नहीं प्राइवेट बिल्डर के पास तो जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे जब हम इनके पास जाते हैं तो उस टाइम पे सिडको अगर ऐसे कर दे तो हम हैरान हो गए। ऐसे सिचुएशन में हम माननीय गजानन काले साहब, नवी मुंबई शहर अध्यक्ष, इनके पास हमारी हमारी मांग लेके गए, तो उन्होंने उसका गरीबों का ये जो ये इसका डायरेक्टली उन्होंने राज साहब इनके पास ये बात लेके गए कि ये गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। और सच में राज साहब खुद यहाँ नई मुंबई में हमारे सिडको विनर्स को मिलने के लिए आए। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा आदमी हमारे पास आता है और तुरंत सह्याद्री पे माननीय मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग लेके हमारा गरीबों का, हमारे जैसे गरीबों को वहां सामने बात करने के लिए, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के सामने बात करने के लिए लेके जाता है और उसमें ये सक्सेस होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारा घर अभी हो पाएगा ये हमें अभी महसूस हो रहा है। और इसका पूरा और पूरा श्रेय माननीय गजानन काले साहब, माननीय राज ठाकरे साहब और माननीय मुख्यमंत्री, जो कि संवेदनशील हैं, इसी की वजह से ये हो पाया है, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सिडको MD डिगिकर साहब, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा ये जो लॉटरी का जो रेट्स है वो कम किया। और यही अभी वापस मैं एक और मांगने, जैसे गजानन काले साहब ने की कि ये जो आपने 6 लाख रुपए कम किए हैं, इसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपके हाथ से राज साहब जी के और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के हाथ से अगर हमें देंगे तो हमें और भी गौरव उसमें महसूस होगा और आज हमारी दिवाली सच में हो पाई। धन्यवाद। तो जिस तरह सिडको लॉटरी विनर्स खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही गजानन काले जी ने ये भी कहा कि जिन्होंने अपनी जो घर है वो सरेंडर कर दिए थे, उन लोगों को जिस तरह की परेशानी आ रही है, जो एजेंट्स उन्हें फोन करके परेशान कर रहे हैं, वे सहन नहीं किया जाएगा वो सब चीजें और वे इसके ऊपर भी आगे एक्शन लेने वाले हैं। तो अब देखना यही होगा कि आगे इसका क्या पड़ाव होता है और जो लोगों ने बामन डोंगरी में सिडको के घरों में अपनी किस्मत आजमाई थी, उनके लिए आज एक बहुत अच्छी खबर है। तो हम आशा करते हैं कि उन्हें अपने सपनों का घर जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।